हेलो नमस्कार सो मेरा नाम राज और आप दिख रहे टेक्निकल सब्जेक्ट से। सो आज हम बात करने वाले हैं एमआई बैंड 3 को थोड़ा खूबसूरत बनाने की, मतलब उसके अंदर हम कस्टम थीम्स डाल के देखेंगे। और हाँ भाई, मैं आपको कोई आलतू फालतू ऐप को डाउनलोड करने को नहीं बोलूँगा, आपको सिर्फ दो ऐप डाउनलोड करनी है और जो भी मी फिट ऐप को यूज़ करता है उसे सिर्फ एक ही ऐप को डाउनलोड करना है। और एक एमआई की ऑफिशियल साइट पे जाके आपको एक फ्रेमवर्क को डाउनलोड करना है। बस दो तीन चीजें आपको डाउनलोड करनी है और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, ये थीम लगा के आप भी थक गए होगे अब तक। तो फिर आपको क्या करना है यार? कुछ नहीं, आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो गाइस, ये जो एप्लीकेशन का नाम है वो है गैजेट ब्रिज। भाई ये एप्लीकेशन को सिंपल सा आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर आपको ये जो ऐप है उसे ओपन करके कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। आपको बैक ले लेना है और जो जो गाइस आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपने जहाँ जहाँ भी कोई भी और एप्लीकेशन है जैसे कि मी फिट एप्लीकेशन, वहाँ सभी से आपको उसको अनपेयर कर लेना है, क्योंकि फिर अगर पेयर होगा तो ये गैजेट ब्रिज से कनेक्ट नहीं होता। तो ठीक है, देखो मैंने अनपेयर करने के बाद मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया, ऑब्वियसली मेरा कनेक्टेड दिखा रहा है, तो मुझे प्लस करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको प्लस करके इसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? अभी जो आपको करना है, आपको मैं फ़ाइल बोलूँगा वो आपको डाउनलोड करनी है। वैसे मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पबजी और एवेंजर्स दोनों का भी लिंक दिया है, अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो इधर से आप सर्च कर लीजिए मी बैंड 3 कस्टम फ्रेमवेयर। ठीक है, तो आपको कोई अलतू फालतू साइट पर नहीं जाना, एमआई की ऑफिशियल साइट पर जाके ही आपको इसे डाउनलोड करना है। ठीक है, क्योंकि यार आप आलतू फालतू साइट में जाओगे तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं एक ऊपर एवेंजर वाला है और नीचे पबजी वाला। वैसे एवेंजर वाला मैंने एक बार इंस्टॉल किया था, तो अभी मैं पबजी वाला इंस्टॉल करके देखता हूँ। तो गाइज़ मैंने पबजी वाला इंस्टॉल करने के बाद, वैसे कुछ है नहीं पबजी में, जो अबाउट में जाओगे ना आप तो उसमें सिर्फ पबजी लिखा हुआ है और चिकन अबाउट अबाउट पे चिकन चिकन का चिकन दूरा मतलब लिखा हुआ है। आपको सिंपल तो सा इधर से डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑब्वियसली इसको डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप जैसे डाउनलोड कर मतलब आपको इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा मी के ऑफिशियल साइट पे। मैंने लॉगिन कर चुका हूँ, मैं इसको कैंसिल कर लेना है। ठीक है, अभी फाइल मैनेजर में जाना है आपको, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद ऑप्शन में जाना है, डाउनलोड ऑप्शन में जाके आपको जो आपने जो भी जिप फाइल डाउनलोड की थी उसको ओपन करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ये रहा आपका जिप फाइल, और इसको आपको पबजी वाला है ना उस पर टिक करना है, और फिर आपको इधर अदर्स पे जाना है और इधर FW इंस्टॉलर पे टिक करके आपको सीधा इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। और इधर देख सकते हैं आपको 100% होने देना है इसको। ठीक है, अभी मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने इस बैंड को थोड़ा सा दूर ले गया, मतलब दूर मतलब कैमरे के नज़दीक लाया ना, तभी ये बंद हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो बीच में से कट कर लिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि पबजी वाला जो थीम था वो इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। तो भाई पबजी वाले थीम में मैं जैसे बोला था वैसा ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, आपको बस आप पबजी लगा तो डाउनलोड कर सकते हैं, अबाउट में पबजी लिखा हुआ तो आ रहा है बेसिकली। यार अभी जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सरसाइज वगैरह में कोई फ़र्क नहीं है। देखो मैंने बोला था ना मोर में चिकन है, और भाई और अबाउट में मैं दिखा देता हूँ। देखो अबाउट में पबजी लिखा हुआ है, मैं फोकस कर रहा हूँ ठीक है कैमरा को। ठीक है, ये पबजी लिखा, पबजी देख सकते, पबजी लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है यार। आप चाहे तो मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ एवेंजर वाला करो, और अगर आपका बाई चांस आपको वापस से अपना जो नॉर्मल एमआई का जो फ्रेमवेयर वो चाहिए, तो सिंपल सा आपका जो एमआई का एप्लीकेशन है उसके साथ उसको कनेक्ट कर लो और आपका जो एमआई का फ्रेमवेयर है वो वापस आ जाएगा। ये 3 कलर की स्क्रीन है, और ये पबजी वाला मैंने इस वाला स्क्रीन को इंस्टॉल रखा है अभी थोड़े दिन के लिए, और फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें अंदर फ्रेमवेयर डाल सकते हो, और कुछ ज़्यादा कोई मेथड नहीं है। तो यही था आज की वीडियो में, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, देखते रहिए। हाँ तो भाई, वीडियो को लास्ट में तो हम आ गए, पूरा मी बैंड की चर्चा भी हमने कर ली, और अभी हमने पबजी वाला थीम इंस्टॉल रखा है, थोड़े दिन इसको यूज़ भी करते हैं, फिर एवेंजर वाला वापस ही डाल देगी। और आपको फ्रेमवेयर में बैक जाना है तो इसको आपको फैक्ट्री डेटा रिसेट में चले जाओ, और आपके जो मी फिट का ओरिजिनल ऑफिशियल ऐप है उसके साथ आप एक बार कनेक्ट हो जाओगे तो फिर आपका जो ओरिजिनल फ्रेमवेयर है वो वापस आ जाएगा। अभी जो सरप्राइज के बारे में जो बात थी उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो आपको थोड़े बढ़ाने होंगे, मतलब आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो रेड बटन है उसको दबा के
ग्रे बना दो। और जो गिव अवे होगा उसमें आपको जो फर्स्ट विनर है उसको मिलेगा फोन, तो ये वाला नहीं, मैं दूसरा वाला लाऊंगा। तो भाई उसका विनर मैं रैंडमली चूज करूंगा भाई, तो आप कमेंट कर दो। इससे पहले मैंने जो फोन की अनबॉक्सिंग की थी OPPO 2020 सीरीज की, वही वाले फोन की हम गिव अवे करेंगे, तो आपको भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो भाई सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय। और मैं रैंडम कमेंट को चूज करूंगा, आफ्टर 2500 सब्सक्राइबर हो जाए ना उसके बाद, ठीक है? गिव अवे होगा 2500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, ठीक है? अब 2500 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो मैं नया फोन बाय भी नहीं करूंगा और ना ही गिव अवे करूंगा। तो भाई भी आपके हाथ में, आपको क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।